श्रवण संस्कृति परमार्थ संस्थान ग्रेटर ग्वालियर के तत्वाधान में गुरुवार को दाना ओली स्थित जैन भवन में नवीन कमेटी श्री दिगंबर जैन वरैया सामाजिक कल्याण समिति की नवनिर्वाचित टीम का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ सभी ने महामंत्र नमोकार पाठ के साथ किया गया। जैन समाज के प्रवक्ता सचिन जैन ने बताया कि सम्मान समारोह का शुभारंभ भगवान महावीर स्वामी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन सिंघई संजय जैन मणि अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी संस्था अध्यक्ष संतोष जैन एवं संस्थापक अध्यक्ष पंडित भरत जैन विरागी ने किया। समारोह में मंगलाचरण गायन पंडित सुनील जैन भंडारी एवं श्रीमती नीतू जैन ने किया। शब्दों से स्वागत उद्बोधन संस्था के संस्थापक अध्यक्ष पंडित भरत जैन विरागी ने किया। समारोह का संचालन संस्था की महामंत्री श्रीमती सुनैना जैन ने किया। वन संस्कृति परमार्थ संस्थान ग्रेटर ग्वालियर ने नवीन निर्वाचित टीम श्री दिगंबर जैन वरैया सामाजिक कल्याण समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी, उपाध्यक्ष भानु प्रकाश जैन, महामंत्री दीपक जैन, सैनिटरी सहमंत्री संजय जैन कुन्ने, कोषाध्यक्ष अध्यक्ष सूरज जैन चीनोर एवं कार्यकारिणी सदस्य नरेश जैन भंडारी, दीपक जैन नमकीन, तरुण जैन और प्रिंस जैन के साथ पूरी टीम के मार्गदर्शक श्रीमान सिंघाई संजय जैन मणि का बड़े ही उत्साहपूर्वक संस्था के संस्थापक अध्यक्ष पंडित भरत जैन विरागी, संस्था के अध्यक्ष संतोष जैन खाया वाले, उपाध्यक्ष वीरेंद्र सर्राफ, अमित जैन भंडारी, विजय जैन संयुक्त मंत्री, विनोद जैन घाटीगाम एवं प्रमोद जैन संरक्षक महोदय, इंजीनियर राजमल जैन सहित नवीन टीम का दुपट्टा माला और पगड़ी पहनकर सभी का स्वागत के साथ सभी को संस्था की ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। वहीं नवीन टीम ने कहा, 3 साल में वरैया जैन भवन मंदिर के निर्माण कार्य करने का संकल्प के साथ भागीदारी निभाएंगे। बहुत ज्यादा कैसे उसको रूप देना, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की, उससे पहले इतनी घोषणाएं हो चुकी है, आज भी आप देख लीजिए और उससे पहले भी कहते ना टोकन बनी है, एक सिर्फ बैठ के एक छोटा सा कार्यक्रम किया उसमें भी करीब करीब 15 लाख की स्वीकृति हमें मिली थी। हमारे सम्माननीय मंच और अति सम्माननीय हमारा इस सबल संस्कृति की महिलाएं, हमारी सारी बहनें कितनी सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ बैठी हुई हैं और निश्चित रूप से इनके कार्यों के बारे में हमारे दीपक भैया ने, हमारे बंटी भैया ने बहुत कुछ बता दिया है, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी निश्चित रूप से धर्म से बच्चों को, महिलाओं को, सबको कैसे जुड़ना है, यदि यदि हम ये सरल हुए और उनसे निवेदन करूँगा कि हमें आगे समय में भी इसी तरह से सहयोग प्रदान करते रहें जिससे हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें। और इसी बात के साथ मैं अपना उद्बोधन समाप्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि वरैया भवन निर्माण में जो हमारी नव निर्वाचित टीम ने संकल्प लिया है उसमें सहायता राशि हेतु पंडित भरत जी विरागी द्वारा जो पंच बालमती ऐसा आप भी सामने देखिए, भाई साहब सामने देखिए, तो देखिए